भूकंप की परिभाषा क्या है? तो उससे परिभाषा देखने से पहले उसका अर्थ क्या है दोस्तों? भूकंप दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। क्या दोस्तों? भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, जिसका सामान्य अर्थ दोस्तों भूमि में कंपन। क्या? भूमि में कंपन। क्या दोस्तों? जो भूकंप है ये दो शब्दों से बना है, भू प्लस कंप, जिसका अर्थ है भूमि में कंपन। और भूकंप की परिभाषा है दोस्तों, किसी ज्ञात अज्ञात या प्राकृतिक मानव जनित या अंतर्जात बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन होता है तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। किसे? किसी ज्ञात या अज्ञात से, किसी प्राकृतिक या मानव जनित से, किसी अंतर्जात या बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो समझ में आ गया कि यह इसका अर्थ क्या है, भूमि में कंपन, और उसकी परिभाषा क्या है। अगला है भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। तो दोस्तों भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या होते हैं देख लेते हैं ना। तो दोस्तों ये धरातल है। क्या है दोस्तों? ये धरातल है और धरातल के नीचे दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? धरातल के नीचे दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां धरातल के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। जहां धरातल के नीचे जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। समझ में आ गया भूकंप मूल क्या होता है? दूसरा भूकंप अधिकेंद्र। तो दोस्तों ये धरातल है और ये भूकंप मूल है। और जहां धरातल पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाएगा तो उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। उस स्थान को हम जहां भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाएगा उस स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। मतलब कि भूकंप तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव दोस्तों धरातल पर किया जाएगा और जहां धरातल पर किया जाएगा उसी स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो भूकंप अधिकेंद्र है, भूकंप अधिकेंद्र पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। मतलब कि भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। कहते दोस्तों भूकंप की तीव्रता है वह ज्यादा होती है, अधिक होती है, या गति भी कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये था हमारा भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। अब है दोस्तों सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोलॉजी में दोस्तों भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है दोस्तों सिस्मोलॉजी में। दूसरा सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ पर वह उपकरण है जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ वह उपकरण है दोस्तों जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों का मापन किससे किया जाता है तो वह सिस्मोग्राफ से किया जाता है। क्या दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट? दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। भूकंप दो शब्दों के मिलकर बना, भूकंप और कंप, इसका सामान्य अर्थ भूमि में कंपन, इसकी परिभाषा है किसी ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक मानव जनित अंतर्जात बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मूल भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र जहाँ भूकंप का धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाएगा उसको हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है और सिस्मोग्राफ में वह उपकरण है जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है दोस्तों। आगे हैं दोस्तों भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किन चीजों से मापी जाती है? तो
रिक्टर स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा है रोसी फेरल स्केल। रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रोसी फेरल स्केल से दोस्तों, इन तीनों स्केलों से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों रिक्टर स्केल और अब दोस्तों हमने देख लिया कि भूकंप की तीव्रता किन से मापी जाती है, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रोसी फेरल स्केल से। अब दोस्तों रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बीच में अंतर देख लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो रोसी फेरल स्केल है इसके बारे में ज्यादा हमारे पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों पहला रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, इधर है दोस्तों रिक्टर स्केल और यह है मर्केली स्केल, दोनों के बीच में अंतर। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल की खोज दोस्तों चार्ल्स रिक्टर ने की थी। किसने की थी? रिक्टर स्केल की खोज दोस्तों चार्ल्स रिक्टर ने की थी, और जबकि मर्केली स्केल की खोज जी मर्केली ने की थी। किसने की थी दोस्तों मर्केली स्केल की खोज? मर्केली स्केल की खोज दोस्तों जी मर्केली ने की थी, और रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी। दोस्तों जो चार्ल्स रिक्टर वैज्ञानिक है, यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिक्टर स्केल की खोज की थी, और जो जी मर्केली वैज्ञानिक है यह इटली के वैज्ञानिक है जिन्होंने मर्केली स्केल की खोज की थी। दोस्तों रिक्टर स्केल खोज किसने की? चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर के नाम पर ही दोस्तों रिक्टर स्केल नाम रखा गया है ना दोस्तों, रिक्टर स्केल या चार्ल्स रिक्टर। और जो जी मर्केली है वैज्ञानिक जिन्होंने मर्केली स्केल खोज की थी, जी मर्केली वैज्ञानिक, उनके नाम पर मर्केली स्केल उसका नाम रखा गया है मापन का। अब है दोस्तों दूसरा पॉइंट है, भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर यह मापन करता है। क्या करता है दोस्तों? जो रिक्टर स्केल है यह भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर मापन करता है, जबकि मर्केली स्केल दोस्तों भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर मापन करता है। रिक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर मापन करता है, और मर्केली स्केल भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर मापन करता है। यह तो हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है। ये क्या है दोस्तों? जो रिक्टर स्केल है यह है वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक वैज्ञानिक पैमाना है, और जो मर्केली स्केल है यह है व्यक्तिनिष्ठ और गुणात्मक पैमाना है। क्लियर कि दोस्तों जो मर्केली स्केल है व्यक्तिनिष्ठ और गुणात्मक पैमाना है, और जो रिक्टर स्केल है यह वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है। चौथा पॉइंट है यह खुला पैमाना है। क्या दोस्तों? रिक्टर स्केल खुला पैमाना है और मर्केली स्केल बंद पैमाना है। क्या है? रिक्टर स्केल बंद मर्केली स्केल बंद पैमाना है और रिक्टर स्केल खुला पैमाना है और मर्केली स्केल बंद पैमाना है। जो पैमाना है ये रिक्टर स्केल जो पैमाना है, पैमाने की संख्या दोस्तों 0 से 10 तक होती है। क्या होती है? 0 से 10 तक इसकी संख्या होती है, जबकि मर्केली स्केल जो पैमाना है इसकी संख्या 1 से 12 तक होती है। 1 से 12 तक होती है दोस्तों मर्केली स्केल की संख्या पैमाने की। दोस्तों जब 0 इसकी जो संख्या है रिक्टर स्केल जो पैमाना है इसकी संख्या 0 से 10 तक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खुला पैमाना। मतलब कि दोस्तों अगर ज्यादा तेज 0 से 10 तक की संख्या है उससे ज्यादा अगर भूकंप आ जाए तीव्र गति से,
तो उसका भी मापन कर सकता है यह रिक्टर स्केल पैमाना। अगर तीव्र गति से 0 से 10 तक की संख्या के आगे भी अगर बहुत तेजी से अगर भूकंप आए तो उसका यह पैमाना निकाल सकता है। इसलिए से क्या कहते हैं, इसलिए से खुला पैमाना कहते हैं। जबकि जो मर्केल स्केल है इस पैमाने की संख्या 1 से 12 तक है और यह क्या है बंद पैमाना। मतलब कि अगर 1 से 12 तक की संख्या के बाद अगर तीव्र गति से भूकंप आ जाए तो उसका मापन मर्केल स्केल उसका मापन नहीं कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे बंद पैमाना कहते हैं। दोस्तों छठवां पॉइंट है यह शुद्ध पैमाना है। क्या है, यह शुद्ध पैमाना है और जो मर्केल स्केल है यह दोषपूर्ण पैमाना है। क्या दोस्तों, जो मर्केल स्केल है यह दोषपूर्ण पैमाना है और रिक्टर स्केल शुद्ध पैमाना है, एकदम शुद्ध पैमाना है। यह था हमारा रिक्टर स्केल और मर्केल स्केल के बारे में जानकारी, या हम कह सकते हैं रिक्टर स्केल या मर्केल स्केल दोनों में अंतर। दोस्तों इसका एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में जाकर जल्दी याद हो जाएगा ना। रिक्टर स्केल चार्ल्स रिक्टर ने खोज की थी, फ्रांस के वैज्ञानिक है। भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर यह पैमाना निकालता है। वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है, खुला पैमाना है दोस्तों। यह इसकी पैमाने की संख्या 0 से 10 तक होती है और यह शुद्ध पैमाना है। जबकि मर्केल स्केल इसकी खोज जी मर्केल ने की थी, यह इटली के वैज्ञानिक है। मर्केल स्केल भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर पैमाना निकालता है और निष्ठ और गुणात्मक पैमाना है और यह बंद पैमाना है। इस पैमाने संख्या 1 से 12 तक की है और यह दोषपूर्ण पैमाना है। तो इसका भी हमने रिवाइज कर दिया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा रिक्टर स्केल और मर्केल स्केल के बीच में अंतर। आगे दोस्तों पहली सम भूकंपीय रेखा, तो आप सोचोगे सम भूकंपीय रेखा क्या गलत क्या होती है। तो सम भूकंपीय रेखा को दोस्तों आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सम भूकंपीय रेखा को आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। सम भूकंपीय रेखा होती क्या है, तो दोस्तों सम भूकंपीय रेखा समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है सम भूकंपीय रेखा। अच्छे समझा देता हूँ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए हैं कि जहाँ समान भूकंपी ये तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब कि दोस्तों जब भूकंप आएगा जहाँ भूकंप समान तीव्रता वाले स्थानों को भूकंप आएगा और जहाँ भूकंप की तीव्रता समान होगी, जिन जिन स्थानों पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता समान होगी उन उन स्थानों को या उन उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है सम भूकंपी रेखा। क्या दोस्तों, जहां जब भूकंप आएगा और जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता समान होगी तो उन उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समभूकंपी रेखा। इसे हम आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। लाइन को हम रेखा भी कह सकते हैं ना दोस्तों। दूसरी है सामाघात रेखा। सामाघात रेखा समान आघात, मतलब कि दोस्तों जब भूकंप आएगा, भूकंप नुकसान तो करता ही है दोस्तों, तो जहां भूकंप आएगा दोस्तों जिन जिन स्थानों पर भूकंप समान आघात करेगा, मतलब कि जिन जिन स्थानों पर या जिन जिन क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप समान नुकसान करेगा, बराबर नुकसान करेगा, उन सभी क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समाघात रेखा। क्लियर कि समाघात रेखा क्या होती है, समझ में आ गया होगा। तीसरी है
होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन या होमोसिस्मल रेखा भी कह सकते हैं, आपको जो कहना है, होमोसिस्मल रेखा या होमोसिस्मल लाइन। एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है दोस्तों, होमोसिस्मल लाइन। कि एक ही समय में आने वाले जिन क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप एक ही समय पर आएगा, मतलब कि दोस्तों भूकंप आएगा जिन क्षेत्र जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन स्थानों पर भूकंप एक समय आएगा, एक टाइम पर, एक ही समय पर आएगा, उन सभी क्षेत्रों को या उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी होमोसिस्मल लाइन या होमोसिस्मल रेखा। कि जहां भूकंप एक समय आएगा उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी होमोसिस्मल लाइन। अगली है दोस्तों, ये थी हमारी तीन रेखा, समभूकंपी रेखा, समाघात रेखा और होमोसिस्मल रेखा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा चीन। चीन सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था, किसने? चीन ने। जो चीन देश है दोस्तों, चीन देश ने दोस्तों सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था कि भूकंप ऐसे आ सकता है, भूकंप का अनुमान लगाया था। अगला भूकंप का क्या संकेत, जरूरी पॉइंट कि भूकंप जब आएगा तो उसका क्या संकेत मिलेगा अपन को कि भूकंप आने वाला है। तो वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि, अगर आप देखते हैं कि वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो आप समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। क्या आने वाला है? भूकंप। ये भूकंप आने का संकेत है क्या? वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों अब है रेडोन गैस सर्वाधिक दोस्तों मरुस्थलीय भागों में ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों जो रेडोन गैस है ये वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि, जो रेडोन गैस है दोस्तों ये मरुस्थलीय भागों के जो वायुमंडल है दोस्तों मरुस्थलीय भाग उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और यह जल वाष्प, जो रेडोन गैस है यह जल वाष्प को अवशोषित करती है। क्या करती है दोस्तों? जो रेडोन गैस है यह जल वाष्प को अवशोषित करती है, रेडोन गैस। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई डाउट? समभूकंपी रेखा आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं इसे। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समभूकंपी रेखा। दूसरी समाघात रेखा, समान आघात जिन स्थानों समान आघात करता है भूकंप उन सभी स्थानों में मिलाने वाली रेखा समाघात रेखा कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है होमोसिस्मल लाइन। चीन ने सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था। और भूकंप का क्या संकेत है? जब वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो आप समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। आगे हैं दोस्तों भूकंप के कारण। क्या है दोस्तों? भूकंप के कारण। तो दोस्तों भूकंप आने के क्या कारण है? मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण। मानव जनित कारण कौन से हैं और प्राकृतिक कारण कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों मानव जनित है, पहला है बांध का निर्माण। क्या है? बांध का निर्माण। दोस्तों बांध का जब निर्माण करते हैं तब उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। जो बांध में दोस्तों जब जल भराव क्षमता अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है? जब बांध में जल भराव क्षमता अधिक हो जाती है तो भूकंप आने की संभावना रहती है। जैसे 11 दिसंबर 1967 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था। किस कारण? कि वहां कोयना बांध का निर्माण किया गया था, इसलिए वहां दोस्तों भूकंप आया था महाराष्ट्र में। बांधों का निर्माण मतलब कि जल भराव क्षमता अधिक हो जाने के कारण भूकंप आ सकता है। दूसरा परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण,
जब परमाणु परीक्षण करते हैं दोस्तों, तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरा, खनन। खनन जब होता है दोस्तों, खनन जब होता है तो उससे भी कभी कभी भूकंप आने की संभावना रहती है। चौथा, अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। क्या? अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। जब हम भूमिगत जल का दोहन करते हैं, बहुत ज्यादा भूमिगत जल का दोहन करते हैं, तो उससे भी दोस्तों भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। तो दोस्तों ये चार कारण है मानव जनित कारण, बांध को निर्माण, दूसरा परमाणु परीक्षण, तीसरा खनन और चौथा अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। ये सभी मानव जनित कारण है। अब प्राकृतिक कारण कौन से है? तो प्राकृतिक कारणों में से दोस्तों पहला है ज्वालामुखी क्रिया। जब दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। और दूसरा, भूपटल पर भ्रंशन। जब दोस्तों भूपटल पर भ्रंशन क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। कैसे? जब भूपटल पर भ्रंशन क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरा, भू संतुलन। जब दोस्तों जो पृथ्वी है ये अपना संतुलन खो बैठती है, खो देती है, अपना पृथ्वी का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है, तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है, मतलब कि भू संतुलन। तीसरा, गैसों का रिसाव। क्या है दोस्तों? गैसों का रिसाव। जब दोस्तों गैसों का रिसाव होता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, जब गैसों का रिसाव होता है। चौथा, प्लेट विवर्तनिकी। मतलब कि दोस्तों ये दो प्लेटें हैं, जब इनकी अपसरण या अभिसारी गति, अपसरण गति और अभिसारी गति हो दोस्तों, तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है, मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी। कैसे? जब दो प्लेटों की जब अपसरण गति होगी या अभिसारी गति होगी तो। पांचवा, उल्कापात। जब दोस्तों उल्कापात होता है, उल्कापात आता है, तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। छठवा, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। क्या है? प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। जब दोस्तों प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत होता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। सातवां, पृथ्वी की घूर्णन गति। जब दोस्तों ये चार, पांच, छह, सात और आठ, आठवां है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति। जब पृथ्वी की घूर्णन गति होती है तो उससे भी भूकंप आ सकता है, आने की संभावना रहती है दोस्तों भूकंप, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। तो ये आठ कारण थे प्राकृतिक कारण, भूकंप के कारणों में प्राकृतिक कारण थे ये आठ। ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल से भूपटल पर भ्रंशन क्रिया, भू संतुलन, गैसों का रिसाव, प्लेट विवर्तनिकी, उल्कापात, प्रत्यास्थ पुनः संतुलन सिद्धांत और पृथ्वी की घूर्णन गति। और मानव जनित कारण थे बांधों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, खनन, अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। तो दोस्तों ये थे हमारे मानवजनित कारण और प्राकृतिक कारण। क्योंकि दोस्तों पहला है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण है दोस्तों ये हिंद महासागर या और ये एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में दोस्तों ये यहाँ भारत है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, भारत देश में। ये भारत देश है और ये एशिया महाद्वीप है, और दोस्तों ये यहाँ हिंद महासागर है। हिंद महासागर में दोस्तों दो द्वीप है, एक तो ये द्वीप है और ये द्वीप। ये द्वीप कहलाता है सुमात्रा द्वीप, और ये द्वीप कहलाता है दोस्तों जावा द्वीप। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप दोस्तों, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में सुंडा गर्त है। कौन सा दोस्तों? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में एक गर्त है। कौन सा गर्त? सुंडा गर्त। और उस सुंडा गर्त में दोस्तों एक और द्वीप है, उसका नाम है क्राकाताओ द्वीप।
क्राकाताओ द्वीप दोस्तों सुंडागर्त में ही है दोस्तों, क्राकाताओ द्वीप। और क्राकाताओ द्वीप पर दोस्तों 1883 में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कब? क्राकाताओ द्वीप पर 1883 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था दोस्तों, तो जो क्राकाताओ द्वीप है उसके आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगे दोस्तों क्यों? क्योंकि वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी क्रिया से भी दोस्तों भूकंप के झटके या भूकंप आ सकता है, उस भूकंप आने की संभावना रहती है, जिससे दोस्तों क्राकाताओ द्वीप पर आया। ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है, उसके बीच में सुंडागर्त है और सुंडागर्त में ही क्राकाताओ द्वीप स्थित है। क्राकाताओ द्वीप में 1883 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे क्राकाताओ द्वीप के आसपास क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे आप समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से भी दोस्तों भूकंप आने की संभावना रहती है। दूसरा है दोस्तों भूपटल पर भ्रंशन क्रिया। क्या है? भूपटल पर भ्रंशन क्रिया। तो उसका भी उदाहरण देते जाऊं आपको मैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। थोड़ा नक्शा मैप जो अच्छे से नहीं बना, परंतु दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों ये क्या है, ये महान भ्रंश घाटी है। क्या है दोस्तों? ये महान भ्रंश घाटी है दोस्तों, समझ आएंगे दोस्तों, ये महान भ्रंश घाटी का अफ्रीका में दोस्तों। तो दोस्तों भूपटल पर भ्रंश क्रिया के उदाहरण है दोस्तों महान भ्रंश घाटी। क्या है? भूपटल पर भ्रंश क्रिया की उदाहरण है महान भ्रंश घाटी दोस्तों। आप क्लियर हो गया? जिससे यह पता चलता है कि भूपटल पर भ्रंश जब क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। क्लियर दोस्तों? तो आप देख लिए हैं ज्वालामुखी क्रिया से और भूपटल पर भ्रंश क्रिया से कैसे भूकंप आने की संभावना रहती है। अब है दोस्तों प्लेट विवर्तन की। आंतरिक प्लेट है दोस्तों, उनमें जो आंतरिक प्लेटें हैं वह गतिशील होती है। क्या होती है दोस्तों? जो आंतरिक प्लेटें हैं वह गतिशील होती है, उनमें से अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। जब दो प्लेटों की जब अभिसारी गति होगी, जो प्लेट जब अभिसारी गति करेगी दोस्तों तो उससे भी भूकंप आ जाता है, और जब दो प्लेटें अपसारी गति करेगी तो उससे भी भूकंप आ जाता है। अभिसारी गति और जब दो चट्टानों की अभिसारी या अपसारी गति होगी तो उससे भी भूकंप आ जाता है। क्लियर दोस्तों प्लेट विवर्तन की। चौथा है प्रत्यास पुनः संचलन सिद्धांत। क्या है? प्रत्यास पुनः संचलन सिद्धांत। इसकी खोज दोस्तों एच एफ रीड ने की थी। किसने की थी? एच एफ रीड ने इसकी खोज प्रत्यास पुनः संचलन सिद्धांत की खोज की थी दोस्तों। बताया था कि यह जो प्लेटें हैं वह लचीली होती है। जो प्लेटें लचीली होती है वह तनाव के कारण दोस्तों टूट जाती है। क्या होती है दोस्तों? जो प्लेटें लचीली होती है वह अपने तनाव के कारण टूट जाती है, और टूटने के बाद दोस्तों वह भूकंप आ जाता है। क्या होता है? तो जब लचीली प्लेटें टूट जाती है तो भूकंप आ जाता है दोस्तों। प्रत्यास पुनः संचलन का उदाहरण है। पांचवा भू संतुलन की अवस्था। क्या दोस्तों? भू संतुलन की अवस्था मतलब कि आंतरिक प्लेटों का संतुलन बिगड़ना। उससे दोस्तों जब आंतरिक प्लेटों का जो संतुलन बिगड़ जाता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। कैसे? आंतरिक प्लेटों के संतुलन से के बिगड़ने के से दोस्तों। जैसे उसका उदाहरण है हिंदू कुश पर्वत पर भूकंप। ये पाकिस्तान में दोस्तों जब ये आंतरिक प्लेटों का संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए हिंदू कुश पर्वत पर भूकंप आया था 4 मार्च 1949 को। क्या है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत पर भूकंप आया था। ये भू संतुलन की अवस्था का उदाहरण है। तो दोस्तों प्लेट विवर्तन की, प्रत्यास पुनः संचलन सिद्धांत और भू संतुलन की अवस्था के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों भूकंप के प्रकार। क्या है दोस्तों? भूकंप के प्रकार।
तो दोस्तों भूकंप के बहुत सारे प्रकार हैं। भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर, भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर और भूकंप की स्थिति के आधार पर। क्या? भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर, भूकंप की उत्पत्ति के कारण के आधार पर, भूकंप की स्थिति के आधार पर। दोस्तों भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के भूकंप होते हैं और भूकंप की उत्पत्ति के कारण के आधार पर चार प्रकार के भूकंप होते हैं और भूकंप की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के भूकंप है। दोस्तों कौन कौन से? भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के, भूकंप की उत्पत्ति के कारण के आधार पर चार प्रकार के और भूकंप की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के। उनमें से पहला है भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर सामान्य भूकंप, दूसरा मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा पातालीय भूकंप। ये तीनों है दोस्तों भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर। सामान्य भूकंप क्या होता है दोस्तों? ये धरातल है। क्या है दोस्तों? ये धरातल है और दोस्तों धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई पर अगर किसी भूकंप का उद्गम होगा, किसी भूकंप का निर्माण होगा दोस्तों धरातल से 50 किलोमीटर की नीचे गहराई पर अगर किसी भूकंप का उद्गम होगा तो उसे हम सामान्य भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम सामान्य भूकंप कहेंगे। और दोस्तों जहां भूकंप का निर्माण होता है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और दोस्तों जो सामान्य भूकंप है ये कम विनाशकारी होगा। क्या होगा दोस्तों? जो सामान्य भूकंप है ये कम विनाशकारी होगा। जब सामान्य भूकंप आएगा तो यह कम विनाश करेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप। क्या? मध्यवर्ती भूकंप। दोस्तों ये धरातल है और धरातल के नीचे 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक के बीच में जहां भी भूकंप, किसी भूकंप का उद्गम होगा तो उसे हम मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? धरातल के नीचे 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक, 50 और 250 किलोमीटर के बीच में कहीं भी अगर भूकंप का उद्गम होगा तो उसे हम मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे। और जहां भूकंप का निर्माण होता है बीच में, वह भूकंप मूल कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा मध्यवर्ती भूकंप। तीसरा है पातालीय भूकंप। ये धरातल है और धरातल के नीचे 250 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक के बीच में जहां भी अगर भूकंप का उद्गम होगा तो उसे हम पातालीय भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? पातालीय भूकंप। 250 और 750 के बीच में जहां भी अगर भूकंप का उद्गम होगा तो उसको हम पातालीय भूकंप कहेंगे। और दोस्तों जो 250 और 750 के किलोमीटर के बीच में जो भाग है वह भूकंप मूल कहलाएगा, क्योंकि वहां दोस्तों भूकंप का निर्माण हो गया, भूकंप की उद्गम होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय भूकंप। बहुत ही सरल टॉपिक है ये। भूकंप के प्रकार में दोस्तों भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पातालीय भूकंप थे। इन तीनों भूकंपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब दूसरा था भूकंप की उत्पत्ति के कारण के आधार पर। चार प्रकार के भूकंप होते हैं वो देख लेते हैं। आगे हैं दोस्तों उत्पत्ति के कारणों के आधार पर ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा संतुलन मूलक, तीसरा तनाव मूलक या भ्रंश मूलक, चौथा संपीड़क मूलक या वलन मूलक। उत्पत्ति के कारणों के आधार पर चार प्रकार के भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी भूकंप, संतुलन मूलक, तनाव मूलक या भ्रंश मूलक या संपीड़न मूलक या वलन मूलक। पहला ज्वालामुखी भूकंप। दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप।
जैसे है क्राकाताओ भूकंप और एड्रा भूकंप। क्राकाताओ भूकंप और एड्रा भूकंप ये ज्वालामुखी भूकंप के उदाहरण है। आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया से होते हैं, जिसको उदाहरण है क्राकाताओ भूकंप और एटना भूकंप। दूसरा संतुलन मूलक। संतुलन मूलक यह भू संतुलन के कारण होता है दोस्तों। जो संतुलन मूलक जो भूकंप है दोस्तों, यह भू संतुलन के कारण होता है, जिसमें है हिंदू कुश पर्वत भूकंप। क्या जो हम पढ़े थे दोस्तों, ये क्राकाताओ भूकंप हमने पढ़े थे और जो हिंदू कुश पर्वत भूकंप ये भी हमने पढ़े थे, तो वह संतुलन मूलक का ही उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा संतुलन मूलक भू संतुलन के कारण होता है, जिसमें है हिंदू कुश पर्वत भूकंप। तीसरा है तनाव मूलक या भ्रंश मूलक। तनाव मूलक या भ्रंश मूलक दोस्तों भ्रंश की क्रिया के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? भ्रंशन की क्रिया के कारण होते हैं दोस्तों तनाव मूलक, जिसके उदाहरण है महान भंज घाटी, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, और दूसरे जुआंडी फूफा भ्रंश घाटी। जुआंडी फूफा भ्रंश तनाव मूलक या भ्रंश मूलक दोस्तों यह भ्रंशन क्रिया के द्वारा होता है, और इसके उदाहरण है महान भंज घाटी और जुआंडी फूफा भ्रंश। तीसरा था तनाव मूलक और भ्रंश मूलक। चौथा है संपीड़क मूलक या वलन मूलक। वलन के कारण यह होता है संपीड़क मूलक या वलन मूलक जो भूकंप दोस्तों यह है वलन के कारण आता है, और जिसमें है वलित पर्वत वलन के कारण आता है और वलित पर्वतों के सहारे आता है। वलित पर्वतों के सहारे आपको समझ में आ गया होगा संपीड़क मूलक या वलन मूलक वलन के कारण आता है, वलित पर्वतों के सहारे। केला दोस्तों कोई डाउट इनमें? उत्पत्ति के कारण के आधार पर चार भागों में बांटा गया है भूकंप को, ज्वालामुखी भूकंप, संतुलन मूलक, तनाव मूलक या भ्रंश मूलक भूकंप, या संपीड़क मूलक या वलन मूलक भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्रिया से होता है, संतुलन मूलक भू संतुलन के कारण होता है, तनाव मूलक या भ्रंश मूलक भ्रंशन के कारण होता है, और संपीड़क मूलक या वलन मूलक वलन के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे उत्पत्ति के कारणों के आधार पर चार कारण, चार भूकंप। समझ में आ गए दोस्तों? अब दोस्तों स्थिति के आधार पर, भूकंप की स्थिति के आधार पर दो भूकंप है, स्थिरी भूकंप और सागरीय भूकंप। क्या दोस्तों? भूकंप की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के भूकंप है, पहला स्थलीय भूकंप, दूसरा सागरीय भूकंप। स्थलीय भूकंप स्थल भाग पर आने वाले भूकंप को हम कहते हैं दोस्तों स्थलीय भूकंप। क्या कहते हैं? स्थल भाग पर आने वाले भूकंप को हम स्थलीय भूकंप कहते हैं। और सागरीय भूकंप सागर और महासागरों में आने वाले भूकंप को हम सागरीय भूकंप कहते हैं। किन्हें सागर और महासागरों में आने वाले भूकंप को हम सागरीय भूकंप कहते हैं? इन्हीं के कारण दोस्तों सागर और महासागर में जब भूकंप आता है तो उसी के कारण महासागरीय लहरों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जब भूकंप दोस्तों सागर और महासागर में आता है तो उसी के कारण महासागरीय लहरों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम दोस्तों सुनामी कहते हैं। उसी से सुनामी के बारे में दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, सब बताऊंगा आपको। सागर और महासागर में आने वाले भूकंप के कारण दोस्तों महासागर लहर की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो भूकंप की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के भूकंप, स्थलीय भूकंप और सागर भूकंप। स्थल भाग पर आने वाले भूकंप स्थलीय भूकंप, और सागर भूकंप सागर और महासागर में आने वाले भूकंप सागरीय भूकंप। दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं भूकंप की उत्पत्ति। अंतर्जात और बहिर्जात बल की ऊर्जा
जब निष्कासित होती है तो उससे जो तरंग उत्पन्न होती है दोस्तों, तरंग उत्पन्न होती है, शुरू समय में भूकंप की उत्पत्ति, अंतर्जात और अंतर्जात बल और बहिर्जात बल कि जो ऊर्जा निष्कासित होती है, बल की जो ऊर्जा है वो निष्कासित होती है तो उससे दोस्तों जो तरंगे उत्पन्न होती है तो उससे पृथ्वी पर कंपन होता है, पृथ्वी पर कंपन होता है तो दोस्तों भूकंप आता है। क्या आता है दोस्तों? जब पृथ्वी पर कंपन होता है तो भूकंप आता है। समझ में आ गया कि भूकंप की उत्पत्ति दोस्तों अंतर्जात और अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की ऊर्जा निष्कासित होती है, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है उसी से उससे दोस्तों पृथ्वी पर कंपन होता है, पृथ्वी पर कंपन होगा तो भूकंप आएगा। केलो दोस्तों जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की जो ऊर्जा है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। जो ऊर्जा निष्कासित होती है दोस्तों अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की, उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि ऊर्जा निष्कासित होती है जो तरंगे उत्पन्न होती है उनसे पृथ्वी पर कंपन होता है और भूकंप आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तरंगे कौन कौन सी होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है उसके बाद जो तरंगे उत्पन्न होती है कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भूकंपीय तरंगे क्या होती है दोस्तों? भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंप का जो भूकंप कंपन होता है तरंगों के द्वारा, तो उसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है दोस्तों, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक तरंगे और दूसरा द्वितीयक तरंगे। किन भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है भूगर्भिक तरंगे को प्राथमिक तरंगे में और द्वितीयक तरंग में, और धरातलीय तरंगों को कितने में भागों में बांटा गया है? धरातलीय तरंगों को बस लव तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो धरातलीय तरंगे हैं इनको लव तरंगे भी कहते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि इसे इन्हें लव तरंगे क्यों कहते हैं, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो और जो भूगर्भिक तरंगे उन्हें दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। दोस्तों आगे हैं दोस्तों भूगर्भिक तरंगे, उनको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। किनको? भूगर्भिक तरंगों, जो भूकंपीय तरंगे थे उनको दो भागों में बांटा गया, तो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। उनमें से जो भूगर्भिक तरंगे थी उनको दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। दोस्तों हम प्राथमिक तरंगों को हम पी से लिखते हैं और द्वितीयक तरंगों को हम एस से लिखते हैं, एस जो इंग्लिश का वर्ड है ना एस, उससे हम द्वितीयक तरंग को लिखते हैं, और जो इंग्लिश का जो वर्ड है पी उससे हम प्राथमिक तरंगों को लिखते हैं। अब है प्राथमिक तरंगे, सबसे पहले धरातल पर दोस्तों जब यह भूकंप का उद्गार होता है, ये धरातल है और उसके नीचे भूकंप का उद्गार होता है, जहां उद्गार होता है जहां भूकंप उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, और जहां जो तरंगे हैं भूकंप के जो तरंगे हैं जब उत्पन्न होता है भूकंप तो जो तरंगे हैं वह निकलती है। दोस्तों जो तरंगे हैं सबसे पहले जो धरातल पर पहुंचेगी, जो तरंग सबसे पहले धरातल पहुंचेगी दोस्तों उसे हम प्राथमिक तरंगे कहेंगे। तो दोस्तों ये क्या है? सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। क्या पहुंचती है? सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। अब इनका सर्वाधिक वेग कितना है? तो प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों
प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग, और कई कई बुकों में दोस्तों 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? कई कई बुक में दोस्तों 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, और कई कई बुक में 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या दोस्तों? इनका जो सर्वाधिक वेग 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड है, परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे है, यह तीनों माध्यम में गति करती है। क्या करती है दोस्तों? यह तीनों माध्यमों में गति करती है दोस्तों। प्राथमिक तरंगे तीनों माध्यम में गति करती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करती है। सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में गति करती है, उससे कम द्रव माध्यम में गति करती है, फिर सबसे कम गैस माध्यम में गति करती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से तीन माध्यम है जिनमें तीनों माध्यमों में गति करती है प्राथमिक तरंगे, ठोस, द्रव और गैस। आगे हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्राथमिक तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों प्राथमिक तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य और ध्वनि तरंगों के समान रहती है। अब अनुदैर्ध्य तरंगों के समान और ध्वनि तरंगों के समान रहती है दोस्तों प्राथमिक तरंगों की प्रकृति। समझ में आ गया? अगले ये है, सबसे कम विनाशकारी है। क्या है दोस्तों? सबसे कम विनाशकारी है दोस्तों प्राथमिक तरंगे, ये कम विनाश करती है परंतु कम है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंग के बारे में, इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक तरंगे की पहली विशेषता है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। दूसरी विशेषता है प्राथमिक तरंगों की, सर्वाधिक वेग है इनका 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरी विशेषता है प्राथमिक तरंगों की, इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथी विशेषता है, यह तीनों माध्यमों में गति करती है, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। पांचवी विशेषता है इसकी प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों और ध्वनि तरंगों के समान रहती है प्राथमिक तरंगों की प्रकृति। छठवीं विशेषता है, यह सबसे कम विनाशकारी होती है, मतलब कि कम विनाश करती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। तो आपको प्राथमिक तरंगों की जो विशेषता है, 6 विशेषता है इसकी, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं द्वितीय तरंग की ओर। अब है दोस्तों द्वितीय तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है दोस्तों द्वितीय तरंगे, है ना। कि प्राथमिक तरंगे दोस्तों सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, परंतु प्राथमिक तरंगों के बाद, मतलब फर्स्ट नंबर पर प्राथमिक तरंगे धरातल पर पहुंचती है, और सेकंड नंबर पर जो द्वितीय तरंगे हैं वो पहुंचती है। तो प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे हैं द्वितीय तरंगे। अब है इनका वेग कितना है? जैसे प्राथमिक तरंगों का जो सर्वाधिक वेग था वह 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड था, वैसे ही द्वितीय तरंगों का वेग है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड द्वितीय तरंगों का वेग है, परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या है? जो द्वितीय तरंगों का जो औसत वेग है दोस्तों वह है 5.5 प्रति सेकंड, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। अब है केवल ठोस में गमन करती है, केवल दोस्तों ठोस माध्यम में गति करती है दोस्तों द्वितीय तरंगे, और जो प्राथमिक तरंगे थे वो तीनों माध्यम में गति करती है, परंतु ये जो द्वितीय तरंगे हैं केवल ठोस माध्यम में गति करती है। आगे है इनकी प्रकृति,
इनकी प्रकृति कैसी है? तो द्वितीय तरंगों की जो प्रकृति है वह है अनुप्रस्थ तरंगों और प्रकाश तरंगों के समान है। अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगों के समान है दोस्तों द्वितीय तरंगों की प्रकृति। अब है इनका विनाश, मतलब कि तीव्रता। विनाश मतलब कि तीव्रता। तो इनका जो विनाश है कैसे करती है, मतलब कितना करती है? तो पी मतलब कि प्राथमिक, पी मतलब कि पी को किससे कौन है, प्राथमिक तरंग है। और एल दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे थे उनको दो भागों में बांटा गया था, भूगर्भिक और धरातलीय। उनमें से भूगर्भिक को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी से और द्वितीयक तरंगों को ऐसे लगते हैं। और जो भूगर्भिक और दूसरा भाग था धरातलीय तरंगे, तो धरातलीय तरंगों को दोस्तों हम एल से लिखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे धरातलीय तरंगों के बारे में, परंतु दोस्तों यहाँ पी मतलब कि प्राथमिक तरंगे और एल मतलब कि धरातलीय तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाश करती है, क्या करती है? प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाश करती है दोस्तों द्वितीयक तरंगे, और एल से मतलब कि धरातलीय तरंगों से कम विनाश करती है, पी से ज्यादा और एल से कम। तो आपको समझ में आ गया होगा द्वितीयक तरंगों के बारे में। अब जो द्वितीयक तरंगों को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उनकी जो विशेषता है उनको फिर से देख लेते हैं। इनकी द्वितीयक तरंगों की पहली विशेषता है प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है। सेकंड है वेग, इनका जो वेग है वह है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और उनका जो औसत वेग है वह 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इनका चौथी विशेषता है केवल ठोस माध्यम में गति करती है दोस्तों। और इनकी जो प्रकृति है, पांचवी विशेषता है इनकी जो प्रकृति है वह अनुप्रस्थ तरंगे और प्रकाश तरंगों के समान रहती है। और इनकी छठी विशेषता है इनका जो विनाश मतलब तीव्रता पी से ज्यादा और एल से कम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा भूगर्भिक को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे क्या होती क्या है, इसका दो दो बार पढ़ लिया हम, रिवाज मतलब रिवाज कर लिए हैं दोस्तों। परंतु इनकी अब दोस्तों फिर से देख लेते हैं इनकी अंतर। तो प्राथमिक तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, परंतु द्वितीय तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है। प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, द्वितीय तरंगों का वेग है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्राथमिक तरंगों का औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और द्वितीय तरंगों का औसत वेग है 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्राथमिक तरंगों तीनों माध्यम में गति करती है और द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती है। प्राथमिक तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य धरीय और ध्वनि तरंगों के समान रहती है, परंतु द्वितीयक तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगे और प्रकाश तरंगों के समान रहती है। और प्राथमिक तरंगों की तरंगे कम विनाश करती है, परंतु द्वितीयक तरंगे पी से ज्यादा और एल से कम विनाश करती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों के बीच में अंतर, इनके अलग अलग भी पढ़ लेती है और ऐसी भी अंतर में भी पढ़ ली है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे दोस्तों। आगे दोस्तों धरातलीय तरंगे, जिन्हें हम एल से लिखते हैं, धरातलीय तरंगों को हम एल से लिखते हैं। धरातलीय तरंगों को दोस्तों लव तरंगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगों को दोस्तों लव तरंगे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? जो धरातलीय तरंगे हैं उनको लव तरंगे कहते हैं। इनका निर्माण मतलब कि सॉरी इनके खोज एडवर्ड हाफ लव ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड हाफ लव एक वैज्ञानिक है, इन्होंने दोस्तों लव तरंगे मतलब कि धरातलीय तरंगों की खोज की थी। इसलिए एडवर्ड हाफ लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनका धरातलीय तरंगों को लव तरंगे कहते हैं इनके नाम से।
एडवर्ड हाफ जो वैज्ञानिक है एडवर्ड हाफ लव, इन्हीं के नाम से इनका धरातल तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इनका वेग, जो इनका वेग है वह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है दोस्तों धरातल तरंगों का वेग, मतलब कि सबसे न्यूनतम वेग है। क्या है? सबसे न्यूनतम वेग है दोस्तों। ये क्लियर हो गया कि धरातल तरंगों का जो वेग है वह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब सबसे न्यूनतम वेग है ये। अब दोस्तों इनकी प्रकृति कैसे होती है? जैसे हमने सभी तरंगों में इनकी सभी की अलग अलग प्रकृति देखी, वैसे ही धरातल तरंगों की भी अलग प्रकृति है। तो वह है धरातल तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के समान रहती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के समान रहती है दोस्तों धरातल तरंगे। अब दोस्तों यह सभी माध्यम में गति करती है, तीन माध्यम है दोस्तों, उन सभी माध्यमों में गति करती है दोस्तों धरातल तरंगे। उनमें सबसे ज्यादा गति ठोस में करती है, ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा गति करती है दोस्तों धरातल तरंगे। अगली विशेषता है इसकी, सबसे लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है? सबसे लंबी दूरी तय करती है दोस्तों धरातल तरंगे, इसलिए इन्हें लंबी तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लंबी तरंगे भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे लंबी दूरी तय क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों यह जो धरातल तरंगे हैं यह धरातल पर सबसे लास्ट में पहुंचती है दोस्तों धरातल तरंगे धरातल पर। क्या दोस्तों? इसलिए यह सबसे लंबी दूरी तय करती है और यह इन्हें लंबी तरंगे कहते हैं। अब यह सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है दोस्तों धरातल तरंगे, और सबसे कम विनाशकारी प्राथमिक तरंगे। अब दोस्तों अगर इन जो तीनों तरंगे पड़ी हमने भी, उन तीनों तरंगों का देखे तो तरंगों का वेग, मतलब की गति, तरंगों की गति क्रम में सबसे ज्यादा पी तरंगे हैं उनका वेग रहता है, उससे कम एस जो तरंगे हैं उनका रहता है, फिर जो एस तरंगे हैं उनका सबसे कम वेग रहता है। पी मतलब कि प्राथमिक तरंगे, एस मतलब कि दोस्तों द्वितीयक तरंगे, एल मतलब कि धरातल तरंगे। सबसे ज्यादा प्राथमिक तरंगों का वेग रहता है, उससे कम द्वितीयक तरंगों का वेग रहता है, और सबसे कम धरातल तरंगों का वेग रहता है। और अगर हम तरंगों की तीव्रता में करें क्रम, देखोगे तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी रहती है? सबसे कम तो तीव्रता में क्रम है सबसे ज्यादा एल का, उससे कम एस का, फिर उससे कम पी का, पी की तीव्रता। तीव्रता में मतलब कि अभी बताया था कि विनाश, तो सबसे ज्यादा विनाश करती है दोस्तों एल मतलब कि धरातल तरंगे, और उससे कम विनाश करती है एस मतलब द्वितीयक तरंगे, और सबसे कम विनाश करती है पी तरंगे मतलब कि प्राथमिक तरंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा धरातल तरंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी जो विशेषता है धरातल तरंगों की, इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। पहली विशेषता, इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं, इनकी खोज एडवर्ड हाफ लव ने की थी इसलिए। दूसरी विशेषता है इनका वेग, जो वेग है यह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब सबसे न्यूनतम वेग है। तीसरी विशेषता है इनकी प्रकृति, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में होती है। और चौथी विशेषता है सभी माध्यम में गति करती है, सर्वाधिक ठोस माध्यम में गति करती है। पांचवी विशेषता है सबसे लंबी दूरी तय करती है, इसलिए लंबी तरंगे कहते हैं। छठी विशेषता है इसकी सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है दोस्तों। समझ में आ गए धरातल तरंगे? समझ में आ गए दोस्तों? दोस्तों मैंने पहले लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, और पृथ्वी
के तीन तीन परत है, क्रस्ट और मेंटल और यह है क्रोड। पृथ्वी की तीन परतें हैं दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो पृथ्वी हो गई दोस्तों, थोड़ा चित्र अच्छे से नहीं बना, कोशिश की मैंने परंतु अच्छे से बनी। ये पृथ्वी दोस्तों, मैं चाहता तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो सभी एक में बता देता, परंतु आपको अच्छे समझ में नहीं आते इसलिए मैंने अलग अलग बताया हूँ दोस्तों। तो ये हमारी पृथ्वी जिसको तीन भागों तीन परतें हैं पृथ्वी की, और ये यहाँ भूकंपीय अधिकेंद्र है। क्या है? भूकंपीय अधिकेंद्र है जहाँ तरंगे धरातल पर भूकंपीय अधिकेंद्र है, जहाँ धरातलों का सर्वप्रथम अनुभव किया करते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो ये भूकंपीय अधिकेंद्र है, और भूकंपीय जब तरंगे भूकंपीय अधिकेंद्र पर जाती है तो वहां से दोस्तों अलग अलग दिशाओं में बट जाती है, अलग अलग दिशाओं में चली जाती है दोस्तों। इस तरह से अलग अलग दिशाओं में वहां से चली जाती है। तो जहां से दोस्तों यहाँ जो तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, तो यहाँ 105 डिग्री तक, कहां तक? 105 डिग्री तक, और इस साइड भी दोस्तों 105 डिग्री तक जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे ही गमन करेगी, मतलब कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे ही यहाँ संचरण करेगी 105 भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक। इतना भाग में दोस्तों केवल प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे ही संचलन करेगी। दूसरा हमारा है, ये हमारी पृथ्वी है जिसको तीन तीन परतें हैं, और इतने भागों में, कितने भागों में दोस्तों? ये था भी 105 डिग्री तक जिसमें प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे संचरण करती है, यहाँ और यहाँ 105 डिग्री तक, और 105 से 145 105 से 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, और इधर भी 105 डिग्री से और 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों कोई सी भी जो है वो तरंगे, कोई सी भी तरंगे गमन नहीं करती, मतलब कोई सी भी तरंगे संचलन नहीं करती है। तो मतलब उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे जहाँ कोई सी भी तरंगे संचरण नहीं करती है। कहाँ से कहाँ तक? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, इधर भी और इधर भाग में प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे संचरण करती है। तो मैं अच्छे समझ लेता हूँ आपको, जो ये भाग, ये वाला भाग है, इसमें कोई सी भी जो है वो तरंगे हैं वह गमन संचलन नहीं करती है। अब है दोस्तों ये तीसरा चौथा, ये हमारे पढ़ते हैं जिसके तीन पढ़ते हैं मकास मेंटल कोड। तो इधर भागों में दोस्तों प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंग गमन कर संचलन करती है 105 डिग्री तक, और 105 से 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इधर भी तो वहां कोई भी जो तरंगे हैं वह गमन संचरण नहीं करती है। परंतु फिर दोस्तों जो 145 है, 145 डिग्री से इधर भी जो 145 का जो क्षेत्र है दोस्तों, डिग्री तक का जो क्षेत्र है वह है, उसमें केवल प्राथमिक तरंगे संचरण करती है। क्या करती है? उसमें केवल प्राथमिक तरंगे संचरण करती है, ये वाला। यहां से इस साइड जो 145 तक का जो क्षेत्र है वहां कोई सी भी दोस्तों तरंगे संचरण नहीं करती है, सॉरी प्राथमिक तरंगे संचरण करती है। कौन सी तरंगे संचरण करती है? केवल प्राथमिक तरंगे ही संचरण करती है दोस्तों। यहाँ 105 डिग्री है, अभी हमने देखा ना यहाँ 105 डिग्री है, और इस साइड भी यहाँ 105 डिग्री है, यहाँ 105 डिग्री और यहाँ भी 105 डिग्री है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों 105 डिग्री ये पूरा, यहाँ से ये वाला 105 डिग्री
ये पूरा 105 जीबी दोस्तों जो क्षेत्र है वह है द्युतक तरंग छाया क्षेत्र है। क्या है? द्युतक तरंग छाया क्षेत्र दोस्तों, इधर 105 डिग्री से और इधर 105 डिग्री तक द्युतक छाया द्युतक तरंग छाया क्षेत्र है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। तो भूकंप क्षेत्र का जो वैश्विक वितरण है दोस्तों, उसको तीन भागों में बांटा गया है। परि प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसको भूमध्य सागरीय पेटी भी कह सकते हैं या अल्पाइन श्रेणी पेटी भी कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि तीन भाग है, परि प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। उसमें से दोस्तों पहली है परि प्रशांत महासागरीय पेटी, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। परि प्रशांत महासागरीय पेटी में दोस्तों 63% भूकंप आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? जो परि प्रशांत महासागरीय पेटी है उसमें दोस्तों 63% भूकंप आते हैं। परि प्रशांत महासागर जो पेटी है उसका क्षेत्र, उसमें 63% भूकंप आते हैं, मतलब कि सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये प्रशांत महासागर है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? उत्तरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा है दोस्तों प्रशांत महासागर। और जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं, मतलब कि यहाँ दोस्तों परि प्रशांत महासागर पेटी पाई जाती है, परि प्रशांत महासागर पेटी है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ सर्वाधिक भूकंप पाए जाते हैं, ये आते हैं भूकंप आते हैं दोस्तों। तो अब क्या कारण है यहाँ की सर्वाधिक भूकंप आते हैं? परि प्रशांत महासागर उसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं, परंतु अपन को कारण नहीं पता है दोस्तों। तो अब कारण देख लेते हैं। पहला कारण है स्थल भाग का मिलन बिंदु है। क्या है? स्थल भाग का मिलन बिंदु है दोस्तों ये क्षेत्र। क्या है? स्थल भाग का मिलन बिंदु। दूसरी विशेषता है महाद्वीपीय महासागर प्लेटों में अभिसारी गति। क्या? महाद्वीपीय और महासागर प्लेटों में अभिसारी गति से भी दोस्तों यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? महाद्वीपीय महासागर प्लेटों में अभिसारी गति के कारण सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो जब महाद्वीपीय महासागर प्लेटों में अभिसारी गति होगी दोस्तों, तो यहाँ नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जब नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होगा तो दोस्तों उससे भी यहाँ भूकंप आते हैं। नवीन वलित पर्वतों का जब निर्माण होगा तो उससे भी दोस्तों यहाँ भूकंप आते हैं। दूसरा ज्वालामुखी, जब यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होगा, तो जब ज्वालामुखी निर्माण होगा दोस्तों, तो उससे भी दोस्तों यहाँ भूकंप आते हैं। पर यहाँ इस जो क्षेत्र है, यहाँ जब ज्वालामुखी निर्माण होगा तो उससे भी भूकंप आते हैं। और जो ये क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इस भाग को दोस्तों पृथ्वी का अग्निवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को दोस्तों पृथ्वी का अग्निवल्य कहते हैं। क्लियर दोस्तों? और जो परि प्रशांत महासागर पेटी है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो भाग कहलाता है यहाँ ये कमचटका प्रायद्वीप है। कमचटका प्रायद्वीप से जो ये भाग है दोस्तों कुरिल प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप से चलते हुए दोस्तों यहाँ आता है दोस्तों क्यूरिल है दोस्तों। क्यूरिल पेन नहीं चल रहा है, यहाँ दोस्तों ये क्यूरिल प्रायद्वीप है दोस्तों यहाँ। तो क्यूरिल प्रायद्वीप तक कमचटका प्रायद्वीप से यहाँ दोस्तों ये क्यूरिल जो प्रायद्वीप है यहाँ तक का जो भाग है वह भी परि प्रशांत महासागरीय पेटी का ही भाग है। और जो दूसरा भाग है वह है यहाँ इस साइड दोस्तों अलास्का से लेकर चिली तक। कहाँ से? अलास्का से लेकर चिली तक का जो भाग है वह भी परि प्रशांत महासागरीय पेटी का ही भाग है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो परि प्रशांत महासागरीय पेटी है तो उसका ये जो क्षेत्र है दोस्तों
उसमें ज्वालामुखी सर्वाधिक ज्वालामुखी क्यों आते हैं? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से याद हो जाएगा। स्थल भाग का मिलन बिंदु महाद्वीप महासागरों में उपसागर गति के कारण, नवी मिलित पर्वतों का निर्माण के कारण, ज्वालामुखी के निर्माण के कारण और कारण दोस्तों यहाँ सर्वाधिक भूकंप पाए जाते हैं, ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं, स्थल पृथ्वी का अग्निबंध कहते हैं। किले दोस्तों और दो भाग है दोस्तों, ये कमचटका प्रायद्वीप से क्यूरियल प्रायद्वीप तक और ये सया अलास्का से चिली तक। और यहाँ दोस्तों जो जापान है, यहाँ दोस्तों जो जापान है और ये पूरा भाग है दोस्तों, जो पूरा क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सॉरी सर्वाधिक भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर पेटी का जो क्षेत्र है उसमें से जो जापान, यहाँ जापान में 1500 भूकंप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो जापान दोस्तों यहाँ 1500 भूकंप आते हैं पर एक साल में दोस्तों 1500 भूकंप आते हैं। तो आपको पता चल गया कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं, 1500 एक साल में 1500 भूकंप आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पहली प्रशांत महासागर पेटी क्या है, उसकी जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं उसमें तो क्यों आते हैं, है ना। तो दूसरी हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी वो भी देख लेते दोस्तों, मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी थी, पहली हमारी परी प्रशांत महासागर पेटी हो चुकी थी, दूसरी हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसे हम भूमध्य सागरी पेटी और अल्पाइन श्रेणी पेटी भी कहते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में दोस्तों 21% भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? 21% भूकंप जो है दोस्तों ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं और परिप्रशांत महासागर पेटी में 63% भूकंप आते हैं। तो दोस्तों अब 21% भूकंप क्यों आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, कारण क्या है इसका? जैसे हमने परिप्रशांत महासागर में जो 63% भूकंप आते हैं दोस्तों वो हमने देखा, उसका बहुत सारे कारण थे दोस्तों, पर वैसे ही मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% भूकंप आने के कारण है वो देखते हैं दोस्तों। तो पहले कारण देखने से पहले दोस्तों ये केप वर्दे जो वो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वो कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, और ये पूरा एशिया महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। किले दोस्तों, और ये हमारा भारत है जहाँ अभी हम इस टाइम रह रहे हैं ना, कि हमारा भारत है और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये यहाँ दोस्तों केप वर्डे है। क्या है? केप वर्डे है यहाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों केप वर्डे। ये दोस्तों जो केप वर्डे है यह अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है। जो जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वह केप वर्डे से होते हुए ऐसे भारत के ऊपर से दोस्तों भारत से होते हुए यहाँ तक जाती है। तो दोस्तों ये पूरा दोस्तों यहाँ से केप वर्डे से जो चालू होती है ये पूरा दोस्तों ये क्या है, यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी है दोस्तों। क्लियर दोस्तों कि केप वर्डे से चलती है और यहाँ तक ऐसे जो पेटी है वह है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो अब इसमें देखते हैं इस क्षेत्र में दोस्तों 21% भूकंप किस कारण आते हैं। तो पहला कारण है महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसार गति के कारण। महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसार गति जब होती है तो उस यहाँ इस क्षेत्र में दोस्तों भूकंप आते हैं, 21% भूकंप आते हैं। क्या है दोस्तों? जब महाद्वीपीय प्लेटों में विसार गति होगी तो उससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। क्या होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जब वलित पर्वतों का निर्माण होगा दोस्तों तब भी इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं और साथ साथ में ज्वालामुखी क्रिया भी होगी। क्या होगी? साथ साथ में दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया भी होगी। जब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होगी तो उससे भी भूकंप आने आते हैं। और जो अभी देखा था प्रशांत महासागर पेटी उसमें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों में अभिसारी गति के कारण 63% भूकंप आते हैं,
ये तो वही था परिवर्तित पर्वत के निर्माण के कारण भी परिवर्षा महासागर पेटी में भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी के कारण भी, और वैसे ही मध्य महाद्वीप पेटी में भी वलित पर्वत निर्माण कारण और ज्वालामुखी क्रिया के कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। क्लियर दोस्तों। और जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है दोस्तों, जो भारत का जो ये भूकंपीय क्षेत्र है ना, वो भी दोस्तों मध्य महाद्वीप पेटी में ही आता है। मतलब कि मध्य महाद्वीप पेटी का ही भाग है दोस्तों जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। और यहाँ दोस्तों अफ्रीका में जो ये बर्न्स घाटी है ना, ये भी मध्य महाद्वीप पेटी का ही भाग है। जो बर्न्स घाटी है ना दोस्तों, जिससे अफ्रीका में भूकंप आते हैं, वो भी मध्य महाद्वीप पेटी का ही भाग है। और साथ साथ में ये जो भारतीय प्लेट है यहाँ दोस्तों, भारतीय प्लेट है वो भी, जो भारतीय प्लेट है यह भी मध्य महाद्वीप पेटी का ही भाग है। क्या है? मध्य महाद्वीप पेटी का ही भाग है। तो बर्न्स घाटी, महाद्वीप, भारतीय प्लेट हो या जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र, वो सभी मध्य महाद्वीप पेटी का भाग है, जिसे हम भूमध्य सागर पेटी भी कहते हैं और अल्पश्रेणी पेटी भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मध्य महाद्वीप पेटी में 21% भूकंप किस कारण आते हैं, और जो मध्य महाद्वीप पेटी ये कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ चलती है। क्लियर दोस्तों। कोई डाउट यहाँ तक? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। महाद्वीप प्लेटों में विसर्जन के कारण भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में, वलित पर्वतों के निर्माण के कारण भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और दोस्तों यहाँ स्केप वर्ड यहाँ है, यहाँ शुरू होती है और यहाँ तक पूरा दोस्तों ये क्षेत्र वह मध्य महाद्वीप पेटी का क्षेत्र है, और यह महाद्वीप प्लेटों में विसारी गति करती है तो उससे भूकंप आते हैं। क्लियर दोस्तों। कोई डाउट? मध्य महाद्वीप पेटी में। अब जो हमारी तीसरी और लास्ट है वह है मध्य अटलांटिक पेटी। क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी। तो दोस्तों अब जो मध्य अटलांटिक पेटी है वो भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी। क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी। तो दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी देख रहे हैं हम, परिप्रसार महासागर पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के बीच में दोस्तों एक कटक है। क्या है? अटलांटिक महासागर के बीच में दोस्तों एक कटक है जो कि आइसलैंड से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आइसलैंड से शुरू होता है, और आइसलैंड शुरू होता है जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, जो कि अटलांटिक महासागर के बीच में है और यह आइसलैंड से शुरू होता है। तो जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके सहारे दोस्तों महासागरीय प्लेटों में अपसरण होता है। क्या होता है? महासागरीय और महासागरीय प्लेटों में अपसरण होता है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दोस्तों महासागर प्लेटों में अपसरण होता है, मतलब अपसरण गति होती है, तो उससे इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। कैसे? मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दोस्तों महासागर प्लेटों में अपसरण होता है इस कारण। समझ आ गए दोस्तों। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप दोस्तों यहाँ से एक भूमध्य रेखा निकल रही है। कि निकल यहाँ से भूमध्य रेखा निकल रही है, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास ही आते हैं। क्या आते हैं? इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास ही आते हैं। क्लियर दोस्तों। कोई डाउट मध्य अटलांटिक पेटी के बारे में? कोई नहीं दोस्तों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर, उसके बीच में दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक है, आइसलैंड शुरू होता है, इसके सहारे दोस्तों महासागर प्लेटें अपसरण करती है जिससे भूकंप आते हैं, और सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। क्लियर? इस मध्य अटलांटिक बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, बस आपको इतने याद रहना जरूरी है। तो भूकंप क्षेत्र का जो वैश्विक वितरण था, वो जो हमारा टॉपिक था, वो यहाँ कम्प्लीट हो गया दोस्तों। उसमें हमने परिप्रसार महासागर पेटी भी देख ली,
और मध्य महाद्वीप पेटी और मध्य महाद्वीप पेटी भी देख ली है और मध्य अटलांटिक पेटी भी देख लिए है। और मुझे पूरा विश्वास आपको तीनों समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भूकंप क्षेत्र की दृष्टि से भारत को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा प्रायद्वीपीय प्रदेश। कौन कौन से? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय प्रदेश, जिसमें हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? हिमालय की अस्थिरता के कारण। किसके कारण? हिमालय की अस्थिरता के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि इन सभी में भी सर्वाधिक भूकंप आते हैं। दूसरा है हमारा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में सेकेंड सर्वाधिक भूकंप आते हैं। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और सेकेंड नंबर पर मैदानी क्षेत्र है। मतलब यहाँ इसमें द्वितीय सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आते हैं। ये सभी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैदानी क्षेत्र में सेकेंड सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय प्रदेश। प्रायद्वीपीय प्रदेश में न्यूनतम भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? न्यूनतम भूकंप आते हैं। इसका कारण है कि स्थिरता और दृढ़ता। क्या? प्रायद्वीपीय प्रदेश में न्यूनतम भूकंप आते हैं। इसका कारण है स्थिरता और दृढ़ता। और प्रायद्वीपीय प्रदेश में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी प्रायद्वीपीय प्रदेश में आते हैं। इससे यह पता चलता है कि इन सभी राज्यों में दोस्तों न्यूनतम भूकंप आते हैं। तो आपको पता चल गया कि भूकंप क्षेत्र दृष्टि से भारत को तीन भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं हिमालय की स्थिरता के कारण, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में न्यूनतम भूकंप आते हैं स्थिरता और दृढ़ता के कारण, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप क्षेत्र दृष्टि से भारत को तीन भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो का रिवाइज करिए दोस्तों, तो आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा आज का वीडियो है यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं भूकंप के नहीं अब भूकंप तो कम्प्लीट हो गया है, तो अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे और जिसका नाम है सुनामी। दोस्तों हम कल सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल सुनामी आएगी, तो दोस्तों सुनामी में मिलते हैं। मतलब सुनामी का वीडियो आएगा, आपको पता चलेगा सुनामी के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय जय भारत।